नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों प्रदेश भर में ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर कई प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अलग अलग इस मुद्दे की चर्चाएं की जा रही हैं। और अभी भी हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिनको ये पता नहीं है कि एक्चुअली ये ओबीसी आरक्षण विसंगति मुद्दा क्या है, क्या है ओबीसी आरक्षण विसंगति और इसको लेकर प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ इसी संघर्ष समिति से जुड़े एक युवा नेता राजेंद्र चौधरी जी हैं। इनसे जानते हैं कि पूरी ये क्या विसंगति है और आम भाषा में, सरल भाषा में इसको कैसे समझ सकते हैं। ओबीसी आरक्षण मुद्दा, विसंगति मुद्दा, ये मुद्दा क्या है, क्यों जरूरत पड़ी? पहले तो आप मुद्दा, इस मुद्दे को एक सरल भाषा में समझाएं ताकि लोगों को जानकारी हो कि ये है क्या। बिल्कुल अशोक जी, ये आपकी बात सही है। कई चीज़ें, ये क्या आरक्षण प्रणाली बड़ी जटिल प्रणाली है, तो मैं बड़ी आसान भाषा में ये समझाता हूँ कि इस राजस्थान के अंदर, पूरे देश में एक आरक्षण की जैसे व्यवस्था है, वैसे राजस्थान के अंदर भी प्रत्येक वर्ग को अपना आरक्षण है। इसके अंदर ओबीसी को 21% का आरक्षण है, एससी को 16% का आरक्षण है, एसटी को 12% का है, ईडब्ल्यूएस जो जनरल कास्ट की इकोनॉमिकल वीकर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 10% का आरक्षण है, एमबीसी जो गुर्जर जातियां हैं इनको मिला हुआ है वो 5% का आरक्षण है। ये टोटल मिला करके 64% आरक्षण की सीटें होती है, 36% होती है जिसको अनारक्षित, अनरिजर्व बोला जाता है। अब इनमें इस ये जो अपना अपना आरक्षण होता है ना, 21, 16, 12, इसको वर्टिकल कहते हैं, अपना अपना सेपरेट ऊर्ध्वाधर। फिर जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है, दिव्यांगजनों को दिया जाता है, ये इस आरक्षण में से दिया जाता है। जैसे 21% उसमें से दिया, जैसे 21% ओबीसी का है, अब 21 का 33% महिलाएं होगी, वैसे ही 16 जो एससी का उसका 33% महिलाएं होगी। हर कैटेगरी अपना जितना 100 में से 21% ओबीसी का आरक्षण है, उसमें से 21 का 33% वो महिलाएं ओबीसी की होगी, वो ओबीसी की महिलाएं होगी। फिर 4% 21 का 4% ये होंगे दिव्यांगजन होंगे, 2% तक ये खिलाड़ियों को मिलता है, और पहले 12.5% 21 का 12.5% भूतपूर्व सैनिकों को मिलता था, वो होगा ओबीसी के भूतपूर्व सैनिक, पहले मिलता था। ये एक व्यवस्था थी कि अपने वर्ग में से, जैसे टोटल भर्ती का 12.5% इनको भूतपूर्व सैनिक लेने होते हैं, तो ये कैटेगरी वाइज लेते थे ओबीसी के 21 का 12.5%। मैं आपको एक एग्जांपल पूछना चाहूंगा, जैसे 1000 किसी पद भर्ती के लिए पद निकल गए, 1000 पद हैं ओबीसी के, तो ओबीसी में 210 पद आएंगे, 210 पद ओबीसी के रिजर्व है, रिजर्व ठीक है, उसमें 210 का 12.5% होगा भूतपूर्व सैनिक, मतलब 27 पद भूतपूर्व सैनिक ओबीसी के लिए जाएंगे। फिर जो भी है एससी के 16% के हिसाब से 160 सीटें होगी, तो उस 160 का 12.5% एससी का कोई भूतपूर्व सैनिक होगा उनको लिया जाता, ऐसे कैटेगरी वाइज लिए जाते थे। एक अनारक्षित की भी लिस्ट बनती है, अनरिजर्व में से भी वो 36% जो अपन ने डिस्कस किया, वो 36% में से भी 12.5%, इस तरीके की चीजें चलती थी। फिर क्या किया गया कि अप्रैल 2018 मतलब पिछली सरकार के अंदर जाते जाते टाइम एक ऐसा उपनियम जोड़ दिया गया। वो उपनियम ये कहता है कि आपको उस भर्ती के टोटल 12.5% पद लेने, मतलब 1000 की भर्ती है तो आपको 125 पद लेने। पहले तो आप लेते थे कैटेगरी से 21 का 12.5, 16 का 12.5 ऐसे ही। अब आपको पद तो जो मेरिट मतलब बनाओगे ना, 1000 में पहले 27 भूतपूर्व सैनिकों को पोस्ट होती थी, अब 125 हो। अब ये हुआ, मैं बताता हूँ इसको, अब ये ऐसे हुआ है, मैं बताता हूँ। तो क्या वो आपको क्या करना है, 1000 का 12.5% मतलब 125 पद लेने। अब अगर आप 125 पद लेंगे तो वो जो 125 पद है वो टोटल भर्ती की मेरिट बनेगी। जैसे 500 फॉर्म भरे हुए हैं भूतपूर्व सैनिकों के, उस 500 में से टॉप 125 है मेरिट में आएंगे, उनको ले लीजिए आप। 125 लेने के बाद में वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पद उसमें से काट लीजिए। अब मान लीजिए 125 फॉर्म आते हैं, तो देखिए ओबीसी की राजस्थान में जनसंख्या 60 से 65% है, ओबीसी में जो जातियां उनके भूतपूर्व सैनिक भी जाता है, तो उस 125 की मेरिट में हर भर्ती में ये हो रहा है कि 110 से 115 अभ्यर्थी तो ओबीसी के ही होते हैं, तो वो 110-15 पद जो है वो इस 21% जो 210 पद होते हैं इसमें से निकल रहे हैं, क्योंकि निकलने तो 27 चाहिए थे, निकल रहे हैं 110 से 115 पद। तो ये ओबीसी पुरुष जो पीछे बचता है ना, महिलाओं का, भूतपूर्व सैनिक सॉरी खिलाड़ियों का, दिव्यांगजनों का काटने के बाद में, तो ये जो ओबीसी मेल है ना, ओबीसी मेल पर पूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। फिर क्या होता है, जब सैनिकों की सीटें नहीं भरी जाती है, या कोई सैनिक, अब क्या होता है भूतपूर्व सैनिक 4-4 भर्तियों में अपना भरते हैं, ठीक है, 4 भर्ती में पोस्ट भरने के बाद वो ज्वाइन तो एक पे करता है, 3 खाली रह जाती है पोस्टें, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई, उसने ज्वाइन नहीं करी, पद तो 3 खाली हो गए।
अब अगर ओबीसी भूतपूर्व सैनिक ने वो सीट ली है तो उसको अगली भर्ती में ओबीसी भूतपूर्व सैनिक की खाली माननी चाहिए। इसको एक बैकलॉग सिस्टम कहते हैं। पिछली भर्ती में अगर कोई सीटें जितनी उस वर्ग को आवंटित थी अगर वो नहीं भरी जाती है, खाली रह जाती है, अगली भर्ती में वो पद जोड़ा जाता है। तो वो भी ये पूरे भूतपूर्व सैनिक में जोड़ देते हैं। ऐसे नहीं है कि ये ओबीसी भूतपूर्व सैनिक था जो खाली करके गया है पोस्ट, तो अगली भर्ती में इस सीट पर ओबीसी के भूतपूर्व सैनिक को मौका दिया जाए। ये भी अगली भर्ती में पूरे भूतपूर्व सैनिक की लिस्ट बनती है उसमें जोड़ देते हैं, तो ये ओबीसी पर और प्रभाव पड़ गया। इस तरीके की चीजें की मतलब जाती है ये कह सकते हैं कि ओबीसी पुरुष जो हैं वो वंचित पूर्णतः खत्म कर दिया गया उनको। अच्छा। सरकार कह रही है कि हमने 1,00,000 भर्तियां अभी निकाली है, राजस्थान सरकार में निकाली गई है 1,00,000 भर्तियां, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 500 से 600 ओबीसी पुरुष को ही नौकरी मिलेगी। अच्छा, 1,00,000 भर्ती में, 1,00,000 भर्ती में 500-600 ही मिलेगी ओबीसी पुरुष मिलेंगे, जबकि 60% जनसंख्या जिस वर्ग की है उसकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए 1,00,000। समझ सकते हैं आप, 1,00,000 की भर्ती है ओबीसी उस जाति की जिसकी जनसंख्या प्रदेश भर में 60% है, और उसमें से 500 से 600 ही ओबीसी पुरुष को नौकरी मिलेगी। ये पूरी बात है। अगर समझें इस बात को तो ये पूरी बात है कि किस प्रकार से ये वनपाल और वन रक्षक की जो भर्तियां थी उसको कैसे समझ सकते हैं इस विसंगति को लेकर। अच्छा देखिए, वनपाल और वन रक्षक की अभी सेपरेट पद निकाले गए हैं, ये संयुक्त भर्ती है वनपाल वन रक्षक की। इस भर्ती के अंदर इस प्रकार है कि सरकार ये अपना आंकड़ा जहाँ तक है वो ये है कि 22,00,000 फॉर्म भरे गए। 22,00,000 फॉर्म में से 14,00,000 के आसपास फॉर्म है अकेले ओबीसी वर्ग के। 22,00,000 में से 14,00,000 फॉर्म ओबीसी वर्ग के हैं, और वनपाल वन रक्षक के अंदर 2,200-2,300 पद टोटल हैं, इसमें से ओबीसी पुरुष के पद हैं 0। जैसे वन रक्षक में शायद पोस्ट है नहीं वनपाल में, और वन रक्षक में जो पोस्ट निकाली गई है उसके अंदर भूतपूर्व सैनिकों की 600 के बैकलॉग खाली पड़ी है। मतलब बैकलॉग यानी कि कैरी फॉरवर्ड, जो पिछली भर्ती से कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं 600 से प्लस पद हैं जो बैकलॉग के खाली पड़े हैं। भूतपूर्व सैनिक ही पूरे नहीं भरे जाएंगे, ओबीसी पुरुष की तो नंबर बाद में आएगा। ये कंडीशन है। 14,00,000 फॉर्म भरे हैं, 6 से 7,00,000 स्टूडेंट हैं जो इस भर्ती की कोचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने कोचिंग ली है, 20-20-30-30,000 रुपए एक स्टूडेंट ने पे किए हैं। आप 6,00,000 करोड़ों रुपए होगा, ये करोड़ों की बात है। अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी सर, ओबीसी पुरुष में पद ही नहीं है तो फिर कैसे मिलेगी। और जनरल की जो अनरिजर्व की अपन कहते हैं, अनरिजर्व में मेरिट में कितने लोग जाएंगे, वो तो संयुक्त होती है, वो सबके लिए ओपन है, पहले भी ओपन थी ये कंडीशन। अच्छा, अब क्या चाहता है यूथ, क्या चाहता है युवा, क्या चाहता है, क्या करें ऐसा जो ये विसंगति हट जाए। देखिए, हम हमारे सैनिक भाइयों का सम्मान करते हैं जो 10-15 साल 20 साल अपने देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके नौकरी करना चाहता है, करने के लिए आगे आता है, तो हम लोग बिल्कुल सम्मान करते हैं। सरकार की बहुत अच्छी योजना है कि भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाए, भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से, जिससे उनके छोटे भाई जो 20-20-22-22 साल के नए नौजवान हैं जो नौकरी लेना चाहते हैं बिल्कुल बेरोजगार हैं, वो भी प्रभावित ना हो। तो सरकार जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सही तरीके से चलाए। कार्मिक विभाग के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो मानसिकता, जिनकी मुझे 1% भी नहीं लगता कि वो इस व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। अगर व्यवस्था को सुधारना होता तो आज ओबीसी वर्ग की ये जो मांग है इससे न कोई नेता और न कार्मिक विभाग के अधिकारी अनभिज्ञ है, सबको इसके बारे में जानकारी है। हमने बाड़मेर से इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, हम जयपुर गए थे, जयपुर मुख्यालय पर आंदोलन किया, कार्मिक विभाग ने हमारे से मुलाकात करी, संयुक्त सचिव जो कार्मिक विभाग के उन्होंने हमारे साथ बैठक भी करी थी। उस बैठक के बाद में ना लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है कि उनके पास कोई उस बात का जवाब नहीं, और हालत आप देख लीजिए, हमने उनके सामने आंकड़े रखे तो वो निरुत्तर हो गए। मैं एक आंकड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग के यूथ कितने हैं। जिस वर्ग की जनसंख्या 60% है पूरे राजस्थान के अंदर, कह सकते हैं कि लाखों युवा नौकरी से वंचित है, तो युवाओं का अनुपात भी वही रहेगा युवाओं की कुल जनसंख्या के अंदर। 60% तक के युवा आज राजस्थान में जो युवा है उनमें 60% युवा तो ओबीसी वर्ग के होंगे। अच्छा, आज आप लोग बाड़मेर में बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार का प्रदर्शन होगा और आगे इस बात को लेकर के आपने सीएम साहब तक या आपके जो प्रतिनिधि हैं सरकार के नुमाइंदे उनसे बात की। देखिए, हमने इस जब से इस आंदोलन की शुरुआत करी है, मांग करी है, शांतिपूर्ण तरीके से किया है हमेशा, आज भी हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। आज गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था उसकी बरसी है आज, तो हम गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी जी की बातों पर अहिंसात्मक
जो हिंसात्मक तरीका नहीं होगा, अहिंसात्मक बातों से करेंगे। इस बात को लेकर के, आंदोलन को लेकर के पहले हमने हमारे जितने भी स्थानीय नेता है या राजस्थान में जितने भी ओबीसी वर्ग के नेता है और भी हैं जो हमारी पैरोकारी करते हैं, सबके पास गए। इस सिलसिले में अनेक नेताओं ने सीएम साहब को पत्र भी लिखा है। हमारे यहाँ के बायतू के विधायक हैं हरीश चौधरी जी, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव से मुलाकात भी करी है। उन्होंने बाकायदा पूरे डाटा के साथ में मुलाकात करी है और सीएम साहब से दो बार उनकी चर्चा हुई है। शुरुआत में जब सीएम साहब के पास में चर्चा होती थी, हरीश चौधरी जी जो चर्चा लेकर गए, वो कार्मिक विभाग से डाटा मांगते हैं। कार्मिक विभाग उनको डाटा उपलब्ध करवाता है आईएन और जेईएन जैसी भर्तियों का। अब आईएन जेईएन में बीटेक किया हुआ एक्स सर्विसमैन चाहिए, एक्स सर्विसमैन इंजीनियरिंग किया हुआ आप कहां से लाओगे? तो ये कार्मिक विभाग की कहीं ना कहीं गलती है कि वो सीएम साहब को भी गुमराह कर रहे हैं। वो डाटा देते हैं पशुधन सहायक का, कनिष्ठ अभियंता का, इस तरीके का, उसमें बिल्कुल बहुत कम असर पड़ता है भूतपूर्व सैनिकों का ओबीसी पर। सबसे ज्यादा राजस्थान में जो भर्तियां निकलती है, आप उनका डाटा एनालिसिस कीजिए। निश्चित रूप से देखिए, एक वाकई में इनकी जो बात है वो पूरी समझने की कोशिश की, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की विसंगति है, जिसको लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। और आज बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश भर में ये लोग आंदोलन करके सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपे।